और देखिए इन सब के बीच कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, वो उत्तर प्रदेश से होते हुए जल्द ही भोपाल में और मध्य प्रदेश में आने वाली है। और मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियां भी अपने चरम पर दिखाई दे रही है। इसको लेकर के भोपाल में भी तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर के जो तैयारियां हो रही हैं उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बता दें कि भोपाल स्थित कांग्रेस दफ्तर में इसको लेकर के बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में कुछ बड़े नेता वर्चुअली भी जुड़े और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी बैठक में शामिल हुए। तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और प्रदेश के प्रभारी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह ने मीडिया से इस दौरान बात की और यात्रा को लेकर के जानकारी दी। साथ ही इस दौरान बीजेपी पर निशाना भी साधा। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। माननीय राहुल जी यहाँ पधार रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ की जनता उनका स्वागत करना चाहती है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सारे पॉइंट, सारी यात्रा की प्लानिंग आज हुई है। आज पूरा कार्यक्रम बन चुका है, आपके सामने भी हम उस पूरे कार्यक्रम को रखेंगे। और जिस तरह के पिछले दो महीने की ये सरकार रही है, दो महीने में ही इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जो भी इनने वादे करे हैं वो वादे पर खरे नहीं उतर रहे हैं।